बात ना करोगे तो जल्दी से ये प्रकट होने लगेगा, लेकिन तुम ऐसे ही बैठे रह गए तो घर का भी कोई काम नहीं होता, और वैसे घर में भी कोई आपको नहीं पूछेगा। अरे भाई काम प्यारा, चांद थोड़ी प्यारा है। अरे भजन करोगे तब तो तुम प्यारे बनोगे, तब तो तुम्हारी जीवात्मा इस अंधकार से, इस जड़ता से निकलेगी। लेकिन भजन नहीं करोगे तो कौन किसको प्यारा? पति स्त्री को जवाब देता है, स्त्री पति को जवाब देती है, माँ बाप बच्चे को जवाब देते हैं, चाम नहीं प्यारा, काम प्यारा। अरे बातें प्यारी नहीं है, साधना और भजन और प्यारा है। इसलिए थोड़ा तुम भी मेहनत करो, हम भी करो, दोनों की मेहनत से ये हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। आज गुरु महाराज का ये उनका पुण्य, जो जो संकल्प यहां छोड़ गए हैं, जो आशीर्वाद और आदेश जो दे गए हैं, ये सब उनकी चीज है। हमारे पास कुछ उन्हीं का आशीर्वाद, उनकी दी हुई ये दौलत है, और उन्होंने आदेश दिया है कि इस तरह का जब समय आएगा तो बांट देना, वो आपको मिलेगी। उनकी ये स्मृति है, यादगार, कि ये खजाना महापुरुषों ने बांटने के लिए दिया है, ये उनकी यादगार। और वो सब चीजें ताजी, गुरु महाराज बड़े सादे थे, बड़े सीधे थे, बहुत सादगी थी, बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, लेकिन जानते सब कुछ, कोई चीज उनसे छुपी नहीं, सब कुछ जानते थे। और उन्होंने ये संकल्प, तो उनका ये संकल्प है कि जीवों को बहुत लाभ होगा, रूहानियत का, आध्यात्मिकता का। आगे सब लोग तैयारी करो, भंडार खुलेगा और सब लोग उस भंडार में प्रवेश होंगे, और असली खजाने की लूट होगी, लोग लूटेंगे, अपने अपने दामन, अपनी अपनी झोली, नेत्रों की झोली, नेत्रों का दामन, दिव्य नेत्र की झोली और दिव्य नेत्र का दामन फैलाकर, और माल की, अद्भुत माल की, दैविक माल की, वो खजाने की यानी लुटाई होगी। और हीरे जवाहरात, ये उस लुटाई के सामने कुछ नहीं है, वो चेतन हीरे, वो अमृत के हीरे ऐसे बरसेंगे, जिसको ये सब के साथ इस मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी आंखों से वो लुटाई होगी कि जो वर्णन में नहीं आएगी। आपको क्या मालूम है कि आकाश से क्या वर्षा हो रही है? तुमने अपना दरवाजा ही बंद कर रखा तो वर्षा क्या पता चलेगी? अरे दरवाजा तो खोलो, मुंह तो खोलो, तब वर्षा मालूम हो कि कैसी वर्षा हो रही है। अखंड महात्माओं ने जो कुछ भी वर्णन किया है वो कटु सत्य है, उसमें जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये उनकी पुण्यतिथि है और उन्हीं के संकल्प का ये आपको प्रसाद। वो तो देने का एक आधार तो चाहिए, तो कोई आधार आपको, जो आधार है वो आपको दिया जाता है कि इसको आप संभाल करके ले जाएंगे। हो सकता है कि साल भर आपको अवसर न मिले, तो इसको आप प्रसाद को संभाल करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इससे काम लेंगे अपनी व्याधियों में, परेशानियों में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हे मालिक, हमको कुछ नहीं चाहिए, जितने दुख हमारे कर्मों के हों वो जल्दी से जल्दी हमको दे दीजिए, लेकिन प्रार्थना यह है कि बर्दाश्त जरूर दीजिएगा, पर हमको आत्मधन लुटा दीजिए। तो इसलिए भी आत्मधन की लूट के लिए भी प्रसाद खाते हैं, ये तो मुख्य चीज है, लेकिन कभी कभी तरह तरह के कष्ट
तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की हैरानियां, परिवार में बीमारियां, परिवार में बच्चों में और बच्चियों में, पत्नी में और पति में, भाइयों में, माँ में, पिता में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जात में, बिरादरी में, समाज में, दफ्तरों में और राज में और इसमें और उसमें, ये तरह तरह की जो बीमारियां, जो रोग लग गए हैं, उनके लिए भी लाभदायक। लेकिन यह है कि अनुचित उपयोग करोगे तो लाभ नहीं होगा, उचित उपयोग करोगे तो लाभ हो जाए। अनुचित क्या उपयोग है कि मैं ये प्रसाद खाता हूं, आज मैं रात को डकैती डालूंगा, मुझे 1,00,000 रुपया मिलना चाहिए, यह अनुचित, इससे लाभ नहीं होगा। तुम इसको खा करके डकैती डालोगे, चोरी करोगे, मौके पर पकड़े जाओगे और फिर कर्मचारी अधिकारी पकड़ेंगे तो वो डंडे मारेंगे, कचहरी पहुंचा देंगे, तुम्हारी सजा हो जाएगी। तो अनुचित प्रसाद का उपयोग मत करो, उचित करो, और मेरी चोरी छूट जाए, मेरी डकैती छूट जाए, झूठ छूट जाए, छल कपट छूट जाए, बदमाशी छूट जाए, और मुझसे ये छूट जाए और ये बुराई छूट जाए और मुझ में अच्छाई आ जाए। और जब उचित उपयोग करोगे कि मेरी बीमारी चली जाए या मुझे बीमारी में आराम हो जाए, तो इसमें लाभकारी होगा, फायदा। ये इसलिए बातें आपको बता देता हूं कि आप श्रद्धा से, आस्था से आपने रात को तपस्या की है ठंडी में, हम भी देख रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं। आपको क्या मालूम कि रात को मैं कैसे घूम रहा था, किसी को नहीं पता कि मैं कैसे निकल के, किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई भी सड़क पर पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपको तो यह जानना चाहिए कि मतलब यह है कि मैं देखता हूं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अंदर घुस गया तो मैं देखूं और समझूं नहीं उसको। तो यह सब मैं देखता हूं कि आप अंगों से तपस्या कर रहे हो और तपस्या का फल आपको मिलेगा, ठीक है। आपने शरीर से गुनाह किए हैं, बुरे काम किए, पाप किए हैं आपने, ये ठीक है कि आपके ऊपर जमा है, लेकिन तपस्या अपनी जगह, वो तो धीरे 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 जिसका ढेर ज्यादा हो जाएगा और फिर एक दूसरे में मिलने लगेगा, तो मिलकर के एक दूसरा अच्छा और खराब खून शोधन करके और खराबी को निकाल देता, वो तो अपने तरीका है। लेकिन यह है कि तपस्या तो तपस्या ही, तो आपको मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गुरु महाराज की ये विशेष कृपा और दया यादगार दिन है। आज मैं आपके सामने नामदानी देकर इसको समाप्त करूंगा। ये लोग जो अभी प्रसाद ले रहे हैं वो उसी तरह से, यानी प्रसाद को ले ले, अच्छा रहेगा और वो उनके लिए जरूरी है, ठीक है। आप इधर आओगे तो ठीक है, लेकिन वो भी संकल्प ही किया, यानी दया मांगी हुई है, तो जब दया मांगी हुई है और वो एक आपके लिए सुलभ है, तो आप क्यों इधर उधर, यानी हाथ पैर पीठ पटकते हो, जो चीज मिल रही उसको तो पहले ले लो और कुछ मिल जाएगी वो भी ले लेना। अरे भाई, इसके माने ये थोड़ी है कि अगर कोई 10 दे तो 10 भी ले लो, और कोई ये दे दे तो और भी ले लो, कोई एक दवा दे दे तो वो ले लो, और कोई उससे भी अच्छी दे दे उसको भी ले लो, ऐसा क्यों कि बस हम नहीं लेंगे। अरे रोग तो रोग ही है, बीमारी तो बीमारी, भूल भटक।